हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ लार्ज पार्टिकल इज लेफ्ट टू स्टैंड देन द पार्टिकल्स विल टेंड टू सेडिमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर हम कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आप सेडिमेंट हो जाएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। फॉर अ गिवन पार्टिकल द रेट और वेलोसिटी एट विच इट सेडिमेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जो पार्टिकल होगा उसका रेट और वेलोसिटी एट विच इट सेडिमेंट्स, उसका वेलोसिटी या रेट जिसके अंडर में वो सेडिमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड, सो दैट द पार्टिकल सेडिमेंट मोर रैपिडली व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ताकि जो फोर्स अप्लाइड होगा, जो अपन ने फोर्स दिया है, वो जल्दी से उस पार्टिकल को सेडिमेंट कर सके, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा। टू एग्जर्ट अ लार्जर फोर्स देन डज द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड दस इंक्रीजिंग द रेट एट विच द पार्टिकल सेडिमेंट। अगर टू एग्जर्ट अ लार्ज फोर्स देन बाय इंक्रीजिंग द रेट वी कैन सेडिमेंट द पार्टिकल, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोर्स वी कैन इंक्रीज द सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रीफ्यूज जो है ये एक मशीन है, जबकि सेंट्रीफ्यूगेशन है वो टेक्निक है। अब पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज के क्या क्या पार्ट्स है? रोटर असेंबली, जो जिसके अंदर वो पूरा पार्टी जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब या माइक्रो ट्यूब रखते हो और वो घूमते हो, वो रोटर्स असेंबली हो गया। और इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर रोटर को घुमाता है। प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन ही प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बीइंग डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। दिस इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर and the radial distance r of the particle from the axis of the rotation according to the equation g is equal to omega square r। g is equal to omega square r है, जहाँ पे g जो है वो centrifugal field है, omega angular velocity है और r जो है वो radius है, radial distance है of the particle from the axis of rotation। rate of sedimentation जो होता है वो centrifugal field पे dependent होता है, जो डायरेक्टेड होता है रेडियली आउटवर्ड्स, और उसे हम डिटरमाइन करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं और रेडियल डिस्टेंस जो होता है उसका, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब आगे हम देखेंगे कि देर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। ओके,